मेरा नाश्ता, अब बैठ कर नाश्ता पहले इनको, ये वॉचेस अच्छी अच्छी इकट्ठी करने का। परफ्यूम है ये वाली जो है, ये MK की है, ये बर्बरी की है, जो कुछ गिफ्ट दिए थे। अच्छा पता है एक चीज़ है, अरेबिक परफ्यूम्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबके? शिफ्टिंग वगैरह तो हो जाती है भाई, मज़े होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि जी हमारी शिफ्टिंग हो रही है, नया घर है ये वो। लेकिन उसके बाद जो लेकिन इसके बाद जो काम होता है ना, हम जो घर की खास तौर पे औरतें होती हैं, वो काम जो होता है बस वो समझने के आगे आपका फिर ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ आपको नए घर के हिसाब से जो है वो एडजस्ट करनी पड़ती है। और मेरे साथ भी यही है, शिफ्टिंग विफ्टिंग का मामला तो चले हो गया, डन हो गया सारा कुछ, लेकिन अब ये जो घर की चीज़ें संभालना, नए घर के हिसाब से हर चीज़ खरीदना, लेकर आना और बनाना, ये बहुत मुश्किल है। और बस मेरे घर भी अब बस यही सिलसिला चल रहा है, एक दिन मुझे कुछ करना होता है, एक दिन मुझे कुछ करना होता है, मैंने चीज़ें डिवाइड की हुई हैं जी। अभी तो नाश्ता बन रहा है, नाश्ते की तैयारी हो रही है, नाश्ता करेंगे और उसके बाद स्टार्ट कर देंगे जी घर के काम। और हरीम के लिए नाश्ता बन रहा है। हरीम क्या नाश्ता आज आपने करना है? Strawberry sandwich with egg. Egg sandwich with strawberries, right? थोड़ा सा उल्टा हो गया था। ओके जी, जी तो नाश्ता भी बना लेते हैं और साथ साथ आपके साथ बातें भी कर लेते हैं। हरीम के लिए बन रहा है नाश्ता और हमारी शिफ्टिंग का मैं आपको क्या बताऊं कि इतना हमारे साथ मुश्किल हुआ ना, कि मेन तो हमने एक जिस कंपनी के साथ हम लोगों ने किया था अपना टाइम वगैरह मूविंग का सारा, वो तो आए उन्होंने आकर एक मेन बड़ी शिफ्टिंग जो होती है, जैसे कि बड़ा हैवी फर्नीचर वगैरह सब बड़ी चीज़ें होती हैं, वो तो उन्होंने शिफ्ट कर दी। लेकिन उन्होंने किया क्या कि वो एक छोटे साइज का जो ट्रक है वो ले आए, और जो हमारे घर का सामान था उसके लिए बड़ा ट्रक था। तो वो क्या किया उन्होंने कि उस ट्रक के अंदर मुश्किल से सिर्फ जो घर का फर्नीचर होता है या बड़े बड़े जो बॉक्सेस थे हैवी वाले, सिर्फ वो आए। उसके बाद वो ट्रक फुल हो गया। अब उनको बोला और वो कहते हैं कि नहीं जी, अब इस टाइम पे तो हम और कुछ नहीं अरेंज कर सकते हैं। उस वक्त हम लोगों ने तो वो चीजें वगैरह वो भेज दी। उसके बाद हुआ क्या, जो ज्यादा जो मुश्किल हमारे लिए चीज बनी ना, वो ये थी कि आगे से विंटर ब्रेक स्टार्ट हो गई, क्रिसमस की हॉलीडेज थी, न्यू ईयर की हॉलीडेज थी, और उसी टाइम पे हमने जो अपनी कीज हैं वो भी वापस करनी थी। अब ना हमें कोई मूवर्स मिल रहे थे, और क्योंकि हॉलीडेज की वजह से सभी अपनी अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अपने ऑफिस क्लोज कर चुके थे। तो फिर उस बीच में 3-4 दिन लगाकर हमारी जो शिफ्टिंग हुई है ना, टोटल हमारी सिर्फ शिफ्टिंग को, सामान मूव करने को ही 4-5 दिन लग गए थे। और जैसे फिर हमने मैनेज किया है ना, वो या हम जानते हैं या अल्लाह जानता है, लेकिन है शुक्र है अल्लाह का, भाग दौड़ करके 4-5-6 दिन लगकर शिफ्टिंग हमारी हो गई डन। ये जी बन गया मेरा नाश्ता, अब बैठकर नाश्ता पहले करेंगे और उसके बाद लग जाएंगे जी कामों में। आज का प्रोजेक्ट है जी, आज मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना जो बेडरूम है वो सीधा कर लूँ। ये बेड सेट मैंने निकाल के रखा हुआ है, और ये ब्लैंकेट है, ये भी मैं इसमें, क्योंकि लेयरिंग्स करनी पड़ती हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, और
ये आज अपना थोड़ा फिक्स करूँगी। और ये मेरा ड्रेसिंग है जो अभी इसी तरह पड़ा हुआ है। ये वॉचेस हैं मेरे हस्बैंड की, बहुत शौक है जी इनको ये वॉचेस अच्छी अच्छी इकट्ठी करने का। तो बाकी ये मेरी ड्रेसिंग की चीज़ें हैं कुछ, ये इसी तरह पड़ी हुई हैं। सोच रही हूँ आज इनको सेट कर लूँ। और इस बैग में मैंने अपनी सारी ज्वेलरी रखी हुई थी, ये भी निकाल कर मैं लगाऊँगी। और आज मेरे ख्याल में बस यही हो सकेगा कि आज जो है बेड सीधा करूं अपना। और ठहरे, एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये मेरा बैग है और इसके अंदर मैंने ये टॉवल रख के कि मैंने ये मेरे परफ्यूम्स टूटे नहीं। तो ये देखे, ये बैग भरा हुआ है सिर्फ परफ्यूम्स के साथ। ये मेरे हस्बैंड के हैं और ये जो नीचे है ये पूरी लेयर मेरे परफ्यूम्स की है। मैं आपको आज अपनी परफ्यूम कलेक्शन भी दिखाती हूँ। ये है जी मेरी सारी परफ्यूम्स और ये सारी मेरी फेवरेट परफ्यूम है। ये वाली जो है ये एमके की है, ये बर्बरी की है, और ये वाली लैंकम की है। ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, नया आया था इनका एक एडिशन, तो ये मैंने बाय किया था। और ये एलिजाबेथ टेलर का है, और दिस वन इज़ ये डियोर, और ये प्राडा का है, ये गुची है, और ये शनेल का है, एंड दिस वन इज़ वर्साचे, और ये जॉर्जियो आर्मानी, और ये वाला ब्रिटनी स्पीयर का है। ये हरीम को इसकी खुशबू बड़ी पसंद आई थी तो ये हरीम ने ले लिया। और ये है लेडी मिलियन इसका नाम है, ये बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है, बहुत ही इसकी प्यारी खुशबू है। और ये भी प्राडा का है, ये कोच। और परफ्यूम्स मेरे पास अब इतने ज़्यादा होंगे, वैसे तो अमूमन यही होता है एक दो ही रखे हुए होते हैं, लेकिन मुझे परफ्यूम्स का इतना शौक है, इतना शौक है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अभी बिल्कुल पैक परफ्यूम जो है वो मेरे ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो कि मैंने अभी खोले भी नहीं हैं। और ये हैं जी मेरे हस्बैंड की कलेक्शन। ये ऊद है जो कुछ गिफ्ट दिए थे इनके फ्रेंड्स ने, ये बहुत प्यारी अच्छी खुशबू होती है इनकी। और ये भी एक रिसेंटली एक अरबिक कोई परफ्यूम है जो ये मंगवाया था ऑनलाइन, लेकिन इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। अच्छा पता है एक चीज़ है, अरबिक परफ्यूम्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। और ये भी इसी तरह शनेल और गुची, और ये वाला जिमी चू, इनके नाम भी ऐसे होते हैं ना, बंदा लेता भी है तो कहता है कि क्या है बात है, अमेरिकन क्रू। और ये वाला शायद वो है वैलेंटिनो, या तो इसी तरह है जी। ये है जी मेरे परफ्यूम्स की कलेक्शन जो कि मैंने सिर्फ अभी खोली हुई है। और बच्चे देखकर हंसते हैं, कहते हैं कि मम्मा ये आपके परफ्यूम्स कब ख़त्म होंगे। ये मेन भी है 1 मिलियन, इसी में जो लेडीज़ है ये वाला मेरे पास, ये वाला लेडी मिलियन, ये बहुत प्यारी इसकी खुशबू है। तो पता नहीं कब ख़त्म होंगे, सुबह कोई और लगाओ, दिन को कोई और लगाओ, शाम को कोई और लगाओ, तो ऐसे ही ख़त्म होंगे। और मैंने भी ऐसे ही ख़त्म करने हैं तो फिर जो नया स्टॉक है वो खोल के यहाँ पर लगाऊँगी।
ये जी शुक्र है रूम की शक्ल कुछ कुछ तो अच्छी निकली है, लेकिन ये है कि अभी सीधा हुआ है, अभी इसकी कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं। वो टेबल लैम्प जो है वो मैंने अभी चेंज करना है, मैंने अपने रूम के लिए डिफरेंट ऑर्डर किए हुए हैं, वो मैं लिविंग रूम से उठा कर लेकर आई हूँ गुजारे के लिए। तो जब नए आएंगे तो फिर वो भी लग जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस जी आज रूम और ड्रेसिंग जो है वो किया है डन, और जी आज रूम और ड्रेसिंग जो है वो किया है अपना डन, क्योंकि ये भी कोई आसान काम नहीं, काफ़ी टाइम लग जाता है ज़रा ज़रा चीज़ें करते हुए। तो अब भागेंगे जल्दी जल्दी किचन की तरफ, क्योंकि अगर इन्हीं सेटिंग्स और इन्हीं में ही लगी रही ना तो फिर खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। फिर बच्चों ने कहना है कि मम्मा खाना किधर है, आज खाने में क्या खिलाएंगे। तो वही एक ही चीज़, पिज़्ज़ा खा के जो है वो बच्चे भी हो जाते हैं। तो अब बस आज का जो वीडियो है वो यहीं पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अब बाकी जो कुछ है मैं वो कर लूँ, क्योंकि अभी सफाइयाँ भी करनी है और बच्चों के लिए खाना भी बनाना है और डिनर की तैयारी भी करनी है। तो इतने सारे काम हैं, तो इसलिए थोड़े थोड़े करके आपके साथ शेयर करूंगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज, बाय। जी तो बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं विंटर ब्रेक के बाद, और उन्होंने आना है लंच करने के लिए, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। आज मैंने उनके लिए ये बनाया है वाइट सॉस पास्ता, और साथ ही जो है यहाँ पे मैं बना रही हूँ उनके लिए, ये मैं ड्रम स्टिक्स बना रही हूँ इनके लिए। इसका क्विक तरीका मैंने किया है कि मैरिनेट करके इसको मैं हल्की आंच पे जो है वो इनको मैं पका रही हूँ ताकि ये अच्छी सी गल जाए, उसके बाद मैं इन्हें फ्राई करूँगी। तो अभी बच गए हैं दो, और इसके बाद मैंने निकलना है इनके लिए, और सारा मेस जो है फिर लंच के बाद जो है वो क्लीन करूँगी।